आज का वीडियो बहुत खास है। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है और 25 सितंबर तक विद्यमान रहेगा। आपको ये यंत्र बनाकर 15 दिनों के लिए अपने घर में रखना है, फिर जल प्रवाहित कर दीजिए इस यंत्र को। पितृदोष शांति यंत्र है, पितृदोष निवारक यंत्र भी आप उसको बोल सकते हैं, ऊपरी बाधा निवारक यंत्र। देखिए, पितृदोष निवारक और ऊपरी बाधा निवारक यंत्र है। इसमें एक मंत्र लिखा है जो आपको बोलना है, पितृदेवो नमः ओम शांति सर्व पितृदोष मोक्षाय। ये क्षय लिखा है, ये थोड़ा सा ढंग से नहीं लिख पाई, आपसे क्षमा चाहूँगी। तो मोक्षाय है, क्षत्रिय वाला क्षय है, और ओम शांति है। पूरा यंत्र बनाने की विधि देखने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज बेहद खास जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। यूट्यूब पर पहली बार ये यंत्र आप देखेंगे, हैंडमेड। आपको इससे चमत्कारिक रूप से लाभ होगा, क्योंकि अपने हाथ से ही बनाकर आपको उस दीवार पे चिपकाना है जिस पे हम आपको बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल कर दें इस वीडियो को, क्योंकि पितृदोष हर घर में विद्यमान रहता है। मैक्सिमम या ज्ञात अज्ञात पितृदोष होता है, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता। अगर आपकी ज़िंदगी में तरह तरह के हर्डल आ रहे हैं, आपकी कमर टूट गई है और आप परेशान हो रहे हैं, आपकी चप्पलें घिस गई हैं, एड़ी घिस गई हैं, तो ये उपाय आपके लिए ज़बरदस्त कारगर होगा। इस उपाय को करने से आपके घर में शादी विवाह जो रुके हुए हैं वो होने लगेंगे, घर का मकान बन जाएगा, पैसा और सुख संपदा आपके जीवन में आएगी, कलह मिट जाएंगे और तरह तरह के उपद्रव जो आपके जीवन में अब तक हो रहे हैं उनको विराम लग जाएगा और आपको हर तरह से सुख समृद्धि मिलने लग जाएगी। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और यंत्र बताना प्रारंभ करते हैं। देखिए, ऐसा इस शेप में आपको यंत्र बनाना है। सफ़ेद चंदन से आपको बनाना है, हल्दी से ना बनाएं, सफ़ेद चंदन से बनाएं और इसको धूप दीप देवें और ये मंत्र बोलें, पितृदेवो नमः ओम शांति। सर्व अलग है, पितृदोष अलग है, मैंने लाइन एक ही मेरी जुड़ गई तो इसको इसके लिए भी आपसे क्षमा चाहूँगी। सर्व अलग बोलना है, पितृदोष अलग बोलना है, मोक्षाय क्षत्रिय वाला क्षय है और मोक्षाय है ये, और ओम शांति ये शब्द आपको बोलने हैं। 11-11 बार बोलिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और यंत्र बनाने का तरीका भी आपको बताती हूँ। बीच में गोला लगा के 2 है, ऊपर 10 है, नीचे 3 है, बाएं 3 है, दाएं 10 है, और चारों कोनों का नंबर भी सुन लीजिए। जो बाईं तरफ वाला कोना है उसमें 2 लिखा है, दाईं तरफ वाला कोना में 3 लिखा है, और जो नीचे वाला बाईं तरफ का कोना है उसमें 10 लिखा है, और दाईं तरफ वाला कोना है उसमें 2 लिखा है। नंबर पुनः देख लीजिए। ये आपकी ज़िंदगी से तमाम पितृदोष का खात्मा कर देंगे, पितृदोष समाप्त हो जाएगा। इस यंत्र को अपने पूजा स्थान में, जैसे रेडीमेड आप यंत्र देख रहे हैं ऐसा भी मार्केट में मिलता है, अगर ऐसा आपको मिल जाए तो अपने पूजा स्थान में हमेशा के लिए रख दें, पितृदोष निवारण यंत्र और ऊपरी बाधा निवारण यंत्र। लेकिन हैंडमेड बना रहे हैं तो हाथों से बना के अपने घर के साउथ वेस्ट दिशा में चिपका दीजिए। साउथ वेस्ट का जो कोना होता है पितरों का ही कोना होता है। पितृदोष निवारण के लिए ये यंत्र आप उस दीवार पर चिपकाएंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा पितृ के लिए निमित ही होती है। जहाँ आपका मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोण भी जिसको बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम का कोना भी बोलते हैं, आप जो जिस भाषा में समझें, जिस तरह से समझें, आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये चिपका देना है। इससे आपको ज़बरदस्त राहत मिलेगी पितृदोष में और आप देखेंगे चमत्कारिक परिवर्तन। 15 दिन के लिए इसको चिपकाना है, फिर इसको जल विसर्जित कर दीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।